डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप में कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में तैयार की गई हमारी राष्ट्रीय नीति में भी यह माना गया है कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होगी और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। हमारे देश की सभी भाषाएं बहुत समृद्ध है, किंतु हिंदी को संविधान केंद्र की राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि यह भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन या समृद्ध है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इसके बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली भाषा है और इसी रूप में इसका विकास करना आवश्यक है। इस समय दुनिया के 30 देशों के 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का भी प्रबंध है और भारत के 63 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा की परीक्षाओं का माध्यम बना दिया गया है। जैसा कि आरंभ में ही कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा देश भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दौड़ में पीछे न रह जाए। आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन नए आविष्कार और नई नई खोजें हो रही हैं। इनकी जानकारी का साधन मुख्य रूप से हमारा वैज्ञानिक साहित्य ही है। अतः उनका स्तर ऊंचा उठाना और उनको जन समुदाय की पहुंच के भीतर लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को यह साहित्य उपलब्ध हो सके। जहाँ तक हमारे देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाने का प्रश्न है, यह संदर्भ में हमारे पास दो मॉडल हैं। एक जर्मन मॉडल है, जिसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली तक उनकी अपनी भाषा है, और दूसरा जापान है, जहाँ चिंतन और अभिव्यक्ति की भाषा जापानी है और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी। हमें अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण हिंदी में देने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध करना होगा। यह काम अनेक संस्थाएं कर रही हैं, जैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। समाप्त।